हेलो बडीज, ज्ञान बाबा सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम बाबा का फंडा में डिस्कस करेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर के बारे में। तो चैप्टर 11 जब आप पढ़ते हैं क्लास 11th एनसीईआरटी में, तो वहां पर रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करने वाले चार फैक्टर आपको दिए गए हैं। तो यहां लिखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब यहां पर टोटल बेटा फैक्टर जो है वो चार हैं। चार फैक्टर कैसे याद करेंगे? तो नीट के पहले स्टेट के अपने अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। यूपी का जो एग्जाम था उसका नाम था CPMT, दिल्ली का था DPMT, राजस्थान का था राजस्थान PMT, RPMT। तो अलग अलग स्टेट के अपने अलग अलग एग्जाम हुआ करते थे। तो मैं यूपी के एग्जाम की बात कर रहा हूं, CPMT, यही इसका निमोनिक है, CPMT। यही चार फैक्टर हो गए, CPMT से याद हो गया। क्या मतलब है इसका? तो सी का जो मतलब यहां पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी फॉर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। पी का मतलब हो जाएगा प्रेशर, पी का मतलब प्रेशर। एम का मतलब हो जाएगा मेम्ब्रेन परमेबिलिटी। और टी का मतलब हो जाएगा टेम्परेचर। तो जो चार फैक्टर आपको बताए गए, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, प्रेशर, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी और टेम्परेचर, ये चार फैक्टर डिफ्यूजन के रेट को प्रभावित करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ अगली वीडियो में आपको मिलेगा एकदम नया फंडा जो कि होगा जबरदस्त, शानदार और जानदार। मैं हूं डॉक्टर हरिओम गंगवार। जय हिंद।